गुड न्यूज है तमाम लोगों के लिए, और ये गुड न्यूज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। अगर आपका भी सपना है कि आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास घर नहीं है, आप किराए के घर पर रहते हैं, तो आप भी अपना खुद का, अपनी मर्जी का और अपना प्यारा सा घर जो है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो तमाम कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने ये डिसाइड किया है और ये पारित कर दिया है कि 3 करोड़ घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। यानी आप अगर उनमें से आते हैं, आपके पास घर नहीं है, गरीबी का शिकार है, तो आप लोगों को अपना घर चाहिए, तो आप लोग उनमें आ सकते हैं कि जहां पर आप लोगों को अपना घर मिल सकता है। ये रूरल एरियाज में भी रहेंगे और ये घर जो है अर्बन एरियाज में भी रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ये घर बनाए जाएंगे। और फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा लोगों को इनका फायदा मिला है। इस अगर मैं फायदे की बात गिनवाऊं आप लोगों को, इसमें एलपीजी कनेक्शन भी है, इसमें उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें वो भी है, इसमें टॉयलेट की फैसिलिटीज भी है, यानी आप लोगों के घर पर शौचालय बनाने की जो मुहिम शुरू हुई थी वो भी है। और साथ ही साथ चाहे आप रूरल में रहते हैं, चाहे आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, आप लोगों के जो है वो घर बनवाए जाएंगे। और आप लोग अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ ली और अगले ही दिन पहले ही कैबिनेट में जो है इसे मंजूरी दे दी गई कि 3 करोड़ जो है वो घर बनाए जाएंगे। और चाहे वो शहर में रहते हैं, चाहे वो गांव देहात के इलाकों में रहते हैं, लेकिन ये 3 करोड़ घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिसमें 7 जो मीटिंग हुई थी उनकी, और साफ तौर पर बता दें मीटिंग बीजेपी की नहीं थी, एनडीए की थी, इसमें तमाम वो लोग भी थे, वो मिनिस्टर्स भी थे जिन्होंने कैबिनेट के तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ शपथ ली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, 2015 से 2016 में ये योजना शुरू हुई थी, इसने काफी ज्यादा घर बनाए हैं। और अगर मैं टोटल बात करूं 4.21 करोड़ हाउसेस जो है ये बना चुकी है पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको सिर्फ यही नहीं प्रोवाइड करती, आपको टॉयलेट्स, एलपीजी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और कुछ भी फंक्शनल हाउसहोल्ड जो है वो भी प्रोवाइड करती है। सेंट्रल और स्टेट स्कीम का भी इससे लेना देना है और सेंट्रल और स्टेट स्कीम के साथ ये स्पॉन्सर्ड है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली घोषणा की थी जिसमें आपको बता दें कि यहां पर पीएम किसान निधि फंड जो है वो आपको दिए जाएंगे और जिसकी 17th इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, जिसके ऊपर सरकार पर जो है वो 20,000 करोड़ का खर्चा पड़ रहा है और ये इसका फायदा जो है 9.3 करोड़ फार्मर्स को होने वाला है। यानी आपको साफ तौर पर बता दें कि मोदी गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है वो घर बनाकर दिए जाएंगे और घर बनाने के साथ साथ आप लोगों को जो है वो इसका फायदा होने वाला है। जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो किस तरह से स्कीम का फायदा उठा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉल करते हैं तो आपको क्या करना है, आपका गांव होगा, वहां पर आपके सरपंच होंगे, आपके बीडीओ होंगे, आपके पास लंबरदार होंगे, ये सारे जो है वो मिलकर काम करते हैं और एक वाहिद ऐसे शख्स है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी हमने शिकायतें सुनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे भैया मैं उस कैटेगरी में फॉल करता था, मेरा घर बन सकता था, बट सरपंच जो है वो मेरा पैसा खा गया या सरपंच ने मेरा आधार कार्ड, मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो आगे नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के घर पर कोई भी पढ़ा लिखा है, आप गांव में रहते हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आजकल गूगल पर हर एक चीज मिल जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना घर बनाना है, उसके लिए आपको सरपंच की परमिशन चाहिए, बीडीओ की परमिशन चाहिए, लंबरदार से जो है वो नक्शा वगैरह जगह का जो है वो पास करवाना पड़ता है, जिसके बाद में आपका जो है घर बनता है। तो फिलहाल जो शहर में लोग रहते थे उन लोगों को आज तक नहीं, उनको ऐसा लगा था कि स्कीम हमारे लिए होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी की फर्स्ट कैबिनेट गवर्नमेंट में ये फैसला लिया गया है कि जितने भी लोग, चाहे वो रूरल में रहते हैं, चाहे वो अर्बन में रहते हैं, उन सब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यानी शहर से लेके गांव तक की स्कीम चलेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको ये तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तोहफा आप लोगों को कैसा लगा है? लेकिन इस तोहफे के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनकी नजर में जो है देश का आम व्यक्ति जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है वो उसे फैसिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन तमाम आप लोग जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी क्वेरी है, उन्हें किसी भी तरह से जानना है, मैं आपको बता दूं कि आपको आपके सरपंच के पास जाना होगा और सरपंच आपको बताएगा आपकी जगह कितनी है, आपकी जगह को मेजर किया जाएगा और किस तरह से इस पर घर बन सकता है। सरकार को एक बड़ी बिल्डिंग नहीं बना के देती आपको, 3-4 जिस तरह से बताते स्टोरी की, लेकिन हाँ आपको रहने लायक घर,
वॉशरूम, पीने जैसे पानी जैसी सुविधाएं जो है वो सरकार आप लोगों को जरूर देती है। इसी के साथ आपको बता दें कि मोदी की फर्स्ट कैबिनेट में यह डिसीजन लिया गया, यानी 3.0 गवर्नमेंट में यह डिसीजन लिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आप लोगों को कहा है कि अगर आप किराए के घर पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, सपना है अपना घर बनाना है, अपना घर आपको मोदी जी की सरकार में मिलेगा। फिलहाल के लिए मोदी जी की सरकार की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारी स्कीम्स रन की, अभी भी वो स्कीम्स रन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का पैसा भी 20,000 करोड़ है जो 9.3 फार्मर्स को मिलने वाला है। 17th इंस्टॉलमेंट होगी, बहुत जल्दी आपको एक किस्त मिलेगी और भी बहुत सी चीजें आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग अपना घर बना सकते हैं, अपने सपनों का आशियाना जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और जम्बुलेटर न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना।